नमस्कार आदाब, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अलफराज शेख। सिटी न्यूज लगातार नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर कवरेज कर रहा है। इस वक्त हम संभल में हैं और संभल में जो वार्ड मेंबर खड़े हो रहे हैं, प्रत्याशी हैं, उन्हीं से बात करेंगे। इस वक्त हम वार्ड 6 में हैं और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए ऋषभ ठाकुर जी हैं। उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में उतरे हैं। ऋषभ जी, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। जी जी, बहुत धन्यवाद। पहला सवाल मेरा यही है, आप वार्ड 6 से उतरे हैं और काफी ज्यादा कैंडिडेट वार्ड 6 से खड़े हैं, क्या मुकाबला है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये इलेक्शन पिछले इलेक्शन से काफी हावी है, क्योंकि इस इलेक्शन में सभी लोग, जितनी भी सरकारी योजनाएं आती हैं जिनको नहीं मिली हैं, उसको मद्देनजर देखते हुए ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। क्योंकि पिछले इलेक्शन में भी यही हुआ था, सभी ने एक कैंडिडेट को चुना था और जीतने के बाद चेहरा देख करके काम करा गया। ठीक है, जितनी भी सरकारी योजनाएं आती हैं वो चेहरा देख कर दी गई हैं। अब बात करें सड़कों की, तो सड़कों में जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। नालियों की सफाई व्यक्ति खुद अपने हाथ से करता है, कोई नगर पालिका कर्मचारी नहीं जाता, ना ही कोई यहाँ पर सभासद जाता है, लोग अपने आप सफाई करते हैं। बात रही बिजली की, घर यहाँ पर काफ़ी गलियाँ ऐसी हैं जहाँ पर नगर पालिका द्वारा लगाई गई लाइटें नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। लोगों ने अपने पास से लाइट लगा रखी है, बल्ब अपने पास से, जो भी सेवा कर अपने आप करा रखी है, गवर्नमेंट की तरफ से या फिर नगर पालिका की तरफ से कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं जो काम हुए हैं वो चेहरा देखकर काम हुए हैं इस वार्ड में, लेकिन आप जो खड़े हुए हैं और जो आपके साथ में जो दूसरे कैंडिडेट हैं, क्या लगता है आप उन्हें कैसे मात दे पाएंगे? देखिए, वार्ड नंबर 6 काफ़ी घुल मिल और तालमेल वाला वार्ड है हमारा। वार्ड नंबर 6 मोहल्ला अल्लू सराय बरेली सराय, इसमें आते हैं। देखिए, एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे यहाँ लिखा है नेता नहीं बेटा चुने। यही चीज़ मैं आपसे पूछने वाला था, मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन से, कहूँगा इन्होंने लिख रखा है नेता नहीं बेटा चुनिए। आप जनता के बीच में जाके बेटा बनकर वोट मांग रहे हैं, जनता के दिल में क्या क्या छवि छोड़ रहे हैं? देखिए, पहले मैं अपनी मर्जी से खड़ा नहीं हुआ हूँ, लोगों ने मुझे खुद खड़ा किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर लोगों के दिलों पर राज करता हूँ। और मैंने कहा ना, नेता नहीं बेटा चुने। यहाँ पर नेता का सीन क्या है, आए वोट लिया घर पर बैठे, सिग्नेचर होने हैं तो नहीं है, सफाई के लिए किसी को बोलना है तो नहीं है, चेहरा देखकर काम किया है। बेटा है, बेटा तो सभी का राज रहता ही है। बेटा बेटा हर एक माँ के लिए बेटा होता है, हर एक पिता के लिए बेटा होता है, छोटे भाई के लिए भाई होता है, इसलिए मैंने कहा नेता नहीं बेटा चुने। ये टैगलाइन जो है जनता के बीच में से आपने खुद जनता के लिए रखी? जी, जनता के लिए रखी है, जनता ने खुद हमारे लिए भी रखी है। अच्छा, आपके कार्यालय में मैंने एक चीज़ और देखी, फ्री वाईफाई की आपने सुविधा दे रखी है, ये कब तक के लिए सुविधा? जी जी जी, ये काफ़ी सारे वार्डों में चर्चा है हमारी फ्री वाईफाई की। ये जियो फ्री वाईफाई है, इसके माध्यम से लोग यहाँ पर रहते हैं और हमारे यहाँ रामायण का पाठ पढ़ा दिखाया जाता है, जिससे लोग यहाँ पर जुड़े रहते हैं। और लोगों का मानना ये है कि सबसे अच्छा कार्यालय हमारे ऋषभ भाई का कार्यालय है यहाँ पर। अच्छा, आपको अगर जनता जिताती है वार्ड 6 से, तो क्या क्या काम होंगे जो आप अपने वार्ड के लिए करने वाले? देखिए, ये पॉइंट काफ़ी नोट करने वाला पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर पिछले 5 साल की बात करें हम, तो चाहे वो राशन का मुद्दा हो या फिर सफाई का मुद्दा हो या फिर सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका मुद्दा हो, सभी में यह वार्ड हमारा पिछड़ा हुआ है। सबसे मेन बात आपको बताता हूँ, हमारा ये वार्ड नंबर 6 मलिन बस्ती में आता है, जो कि मुझे सबसे पहले ये हटाना है। मलिन बस्ती में आना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो इसका नाम दिया गया है मलिन बस्ती, जबकि हमारा वार्ड ऐसा कुछ नहीं है। मलिन बस्ती की वजह से हमारा वार्ड पिछड़ा हुआ है, जिससे कि मुझे आकर के सुधारूंगा मैं इसको। और आज की डेट नोट कर लीजिए आप, 1 साल बाद मेरा इंटरव्यू लेना है इसी बात पर, फिर आपको दिखाऊंगा वार्ड का नज़ारा क्या है। लोग देखना आएंगे वार्ड को मेरे, और लोग कहेंगे कि वार्ड नंबर 6 जो सभासद ऋषभ ठाकुर, उनका वार्ड देखिए कितना चमका हुआ है, कितना अच्छा है, जितनी सरकारी योजना है देखिए कितना अच्छे तरह का लाभ मिला है। पब्लिक सब का, पब्लिक भी ये बात कहेगी कि हमें मेंबर मिला तो ऋषभ भाई ऐसा मिला। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो वार्ड 6 से ऋषभ ठाकुर है, जिनका कहना है कि आज की तारीख नोट कर लीजिए और 1 साल बाद आइए और मैं दिखाऊंगा कि विकास किस तरीके से होता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऋषभ ठाकुर को अगर आवाम जिताती है तो ऋषभ ठाकुर किस तरीके का अपने वार्ड में काम कराएंगे। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। शुक्रिया।